सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत कक्षा 8 का अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सहसा विदधीत न क्रियाम, मतलब बिना विचारे हुए किसी कार्य को अनायास ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर किसी भी कार्य को हम लोग बिना विचारे हुए करते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है, गलत ही आता है, जो आप लोग को भी विदित होगा। आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को। कहता है क्या, कस्मिंचित स्थाने देव शर्मा नाम एक ब्राह्मण प्रतिवसति अस्म, किसी स्थान पर देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, तस्य एका प्रियवादिनी भार्या आसीत, उसका एक प्रियवादिनी मतलब मधुर बोलने वाली भार्या मतलब पत्नी थी। अब यहाँ पे देखिए एका यहाँ पे लग गया है, क्यों, चूंकि ये प्रियवादिनी भार्या है ना, मतलब स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग के लिए अगर कोई चीज रहता है तो एक के लिए एका प्रयोग होता है और पुल्लिंग के लिए ओनली एक, कोई दिक्कत नहीं। तयो एक प्राणेभ्यो अपि प्रियतर पुत्र आसीत, उसका एक प्राणों से भी प्यारा पुत्र था, ब्राह्मण ब्राह्मणी च स्वक्रिये स्वकीय गृह एकं नकुलम अपि अपाल्यताम, ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने ही घर में एक नकुल को भी पाला था। ब्राह्मणी नकुले पुत्रवत एव स्नेहति अस्म। अब यहाँ पे देखिए कि नकुल का मतलब क्या होता है, नकुल का मतलब होता है नेवला। अब देखे ब्राह्मणी नकुले पुत्रवत एव स्नेहति अस्म, ब्राह्मणी नकुल को पुत्र के समान ही प्यार करता था, स्नेह करता था। एकस्मिन् दिवसे ब्राह्मणी स्नानार्थं नदी गच्छन्ती, स्वपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अकथयत्, मतलब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी स्नान के लिए नदी जाती हुई अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण से बोला, स्वामिन हे स्वामी, इदानीम् अहम् नदीं गच्छामि, इस समय मैं कहाँ जाती हूँ, नदी जाती हूँ, त्वया पुत्र रक्षार्थ सावधान भवितव्यम्, तुमको पुत्र की रक्षा के लिए क्या हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। एवं उक्त्वा ऐसा कहकर सा नदीम अवगच्छत, वह नदी चली गई। उसके पश्चात विप्र, विप्र का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण स्वपुत्र रक्षार्थ दत्तावधान संलग्न अभवत, उसके पश्चात ब्राह्मण अपने पुत्र की रक्षा के लिए बिना किसी अवधान के संलग्न हो गया। अत्रांतरे कुछ ही समय बाद एक सृष्टि, सृष्टि का मतलब होता है सेठ, यहाँ पे देखिए पुलिंग है ना सेठ, इसके लिए एक के लिए क्या बनाया गया है, केवल एक, जो कि हमने पहले देखा था एक के लिए क्या बनाया गया था, जो यहाँ पे स्त्रीलिंग था वहां एका बनाया गया था, कोई दिक्कत नहीं। एक सृष्टि ब्राह्मण से समीपम आगत्य, मतलब एक सृष्टि एक सेठ ब्राह्मण के समीप आकर स्व आदर्थ गृहम चलितुम प्रार्थवान, घर चल, तो एक सेठ ब्राह्मण के समीप आया और श्राद्ध कार्य के लिए घर चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों अचिंत्यत, ब्राह्मण ने सोचा, नकुलस्तु गृहे विद्यते, नकुल तो घर में विद्यमान है ही, सौ च पुत्रस्य रक्षार्थ सक्तः, वह तो पुत्र की रक्षा करने में सक्षम है, इतस्मिन् विषये कोऽपि शंका नास्ति, इस विषय में तो कोई भी शंका नहीं है। सृष्टि मह्यम धनम अपि दास्यमेव, सेठ हमको धन देगा, अतः मया अवश्यमेव सृष्टिना गृहे श्राद्धार्थम गंतव्यमेव, इसलिए मुझे अवश्य ही सेठ के घर श्राद्ध कार्य के लिए जाना चाहिए। ततः स्वपुत्रस्य रक्षार्थ नकुलं नियुज्य श्राद्धार्थम अगच्छत, वह पुत्र की रक्षा के लिए नकुल को नियुक्त कर श्राद्ध कार्य के लिए किसके घर गया, सेठ के घर गया। ठीक है, ब्राह्मणे गता अंतरे नकुल बालक रक्षाए सावधानो अभवत, मतलब ब्राह्मण के जाने के बाद नकुल बालक की रक्षा के लिए सावधान हो गया। सह बालकस्य समीपम उप सर्प अंतकम एवं सर्पम अपश्यत, वह बालक के समीप पहुंचा हुआ एक सांप को देखा, कौन देखा, नकुल। कदाचित सर्प बालकम न देश देती, कहीं सर्प बालक को नहीं डसले, इस तरह संकरित हृदय नकुल सर्प व्यापादक तंग खंडसा अक्रोत, वह संकाहित हृदय से नकुल क्या किया, सांप को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तदैव देव शर्मा सृष्टि गृह श्राद्ध
कारित्वा श्राद्ध अन्नम धनम च गृहीत्वा स्वगृहम प्रत्यागच्छत्। इतना देर में देव शर्मा सेठ के घर से श्राद्ध करवाकर श्राद्ध अन्न धन सभी लेकर अपने घर लौटा। आगच्छन्तं स्वामिनं देव शर्मणः, आता हुआ अपने स्वामी को देखकर, किसको देखकर, देव शर्मा को देखकर, सह नकुल गृहात बहिरेव आगत्य विप्र चरणयो औलुठत। वह नकुल घर से बाहर आकर विप्र चरणयो, विप्र का मतलब उस ब्राह्मण के चरण पर आकर क्या हो गया, लिपट गया। ब्राह्मण नकुलं रक्त विलिप्तम मुखपादम विच्छ औचित्यत। ब्राह्मण नकुल के रक्त विलिपत मतलब क्या, खून से लथपथ मुख और पैर को देखकर सोचने लगा या सोचा, मेरे पुत्र को खा गया। अहम अपि नकुलम जीवितम न त्यजेम, मैं भी नकुल को जीवित नहीं छोड़ूंगा। एवं विचारयन् स्वब्राह्मण एकम दंडम उत्थाय तेन दंडेम नकुल वदितम। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण एक दंडा उठाया और उसी दंडे से उसको क्या कर दिया, उसका वध कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज पता चलता होगा कि इन्होंने क्या किया है, बिना सोचे विचारे। पहले अगर आया तो उसे घर जाके देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं देखा और इसको क्या किया, मार दिया, है ना। तद अंतरम उसके बाद ब्राह्मण गृहे प्रवेशत, इसके बाद ब्राह्मण किस में प्रवेश किया, घर में। तत्र वहां स्वपुत्रम सुरक्षितम, वहां पे उसने अपने पुत्र को क्या पाया, सुरक्षित। सर्पस्य च खंडानि विक्षा चिंतियत, है ना। और सर्प को खंड खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा देखकर उसने सोचा, यत मया निष्कारणम एव नकुलम व्याप्तादितः, यत कि मेरे द्वारा कि बिना कारण ही, कि मेरे द्वारा बिना कारण के नकुल मारा गया। यदि अद्य नकुल मम पुत्रम न रक्षेत, यदि आज नकुल मेरे पुत्र की रक्षा न करता, तरही अहम पुत्रहीन भवेयम, तब मैं क्या हो जाता, पुत्रहीन हो जाता। एवं ब्राह्मण बहुविधम विलापम करोत, इस प्रकार से वो ब्राह्मण बहुत ज्यादा क्या करने लगा, विलाप करने लगा। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना विचारे हुए किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही परम आपदा का क्या होता है, स्थान होता है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपने इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छा से समझ लिया होगा। आगे की चर्चा मतलब आगे जो मेरा ये क्वेश्चन आंसर है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसे फिर क्लियर कर दूंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।